उपचुनाव में योगी का रास्ता क्लियर, समस्या में फंस गए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। पार्टी में मची भगदड़, चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी के बड़े नेता ने अखिलेश को बोला बाय। अखिलेश के लिए पार्टी के नेता ही बनते जा रहे हैं संकट, कोई छोड़ रहा है पार्टी तो कोई कर रहा है अपराध। जी ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी के खुद के नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी नेता ही उनकी लुटिया डुबोने में लगे हैं। वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो समझ लीजिए अखिलेश यादव के साथ ऐसा ही होने जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगा है। परमानंद गर्ग शनिवार को समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए हैं। अग्रसेन भवन में आयोजित कैडर कैंप में परमानंद गर्ग का स्वागत करने के साथ ही शहर विधानसभा सीट का प्रभारी बना दिया गया है। परमानंद गर्ग के पार्टी में शामिल होने की बसपा जिला अध्यक्ष दयाराम सैनी ने पुष्टि की। समाजवादी पार्टी के किले में सेंधमारी करते हुए एक महारथी को बसपा ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। सपा के प्रदेश सचिव से इस्तीफा देने वाले परमानंद गर्ग बसपा में शामिल हो गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर वैश्य समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बसपा में शामिल होने के बाद उन्हें विधानसभा प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस उलटफेर के बाद गाजियाबाद उपचुनाव रोचक स्थिति में आ गया है। इस सीट पर वैश्य समाज निर्णायक की भूमिका निभाएगा। एक दिवसीय बसपा कैडर कैंप में बसपा के मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर शमसुद्दीन राइन, सूरजमल जाटव और जिला अध्यक्ष दयाराम सेन की मौजूदगी में परमानंद गर्ग ने अपने समर्थकों सहित बसपा की सदस्यता ग्रहण की। बसपा की सदस्यता लेने के बाद परमानंद गर्ग ने कहा कि बसपा में ही सर्व समाज का हित निहित है, वैश्य समाज की आवाज उठाने के लिए वो बसपा में शामिल हुए हैं। कैडर कैंप में बसपा ने उपचुनाव को लेकर खास रणनीति बनाते हुए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने को कहा है। आपको बता दें बसपा ने रवि गौतम को 5 दिन पहले ही पार्टी से निष्कासित किया है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें यूपी की गाजियाबाद विधानसभा सीट, मिल्कीपुर विधानसभा सीट, कटेरी विधानसभा सीट, करहल विधानसभा सीट, मीरापुर विधानसभा सीट, मझावा विधानसभा सीट, सीसामऊ विधानसभा सीट, खैर विधानसभा सीट, फूलपुर विधानसभा सीट और कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिससे पहले समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। कभी उसके नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, कभी उसके नेता अपराध में शामिल हो जाते हैं, कभी उसके नेता वैध बयान दे देते हैं और कभी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब ये अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ाएगा नहीं तो और क्या करेगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के अपने ही उनकी लुटिया डुबोने में लगे हैं। ऐसे में आने वाले उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी हार होती है तो आश्चर्य मत कीजिएगा। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।